शनिवार का दिन है, सुबह सुबह जल्दी उठ के नाश्ता खाने की अच्छी जगह ढूंढने निकले थे। तो चीकू भैया ने बोला अपन कहाँ चलेंगे? अभी हम लोग आए हैं राज अल्पहार पे, यहाँ पर मिलती है लहसुन की कचौरी, उसल पोहा, सादा पोहा, आलू की कचौरी और दाल की कचौरी। बिल्कुल, मतलब जैसे एरिया वाइज हम हर बार बात करते हैं, तो अगर आपको कभी सुदामा नगर से लेके फूटी कोटी साइड, तो यहाँ पे राज अल्पहार जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे आपको लहसुन की एकदम झन्नाट कचौरी खाने को मिलती है। जल्दी से चलते हैं, पूरी मेकिंग बताएंगे, आराम से टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ क्यों आना चाहिए। बिल्कुल, एड्रेस बताने के पहले एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको एकदम झन्नाट लाल लहसुन वाला मसाला दिख जाएगा, कचौरी यहाँ पे बनती रहती है। और इतना अच्छा एड्रेस है कि अगर आप जैसे जाते हो ना सुदामा नगर से या फिर बाबा रंजीत के दर्शन करके फूटी कोटी के लिए, तो आप जाते जाते रस्ते में आपको लेफ्ट हैंड में ना अलग ही सुगंध आ जाएगी झन्नाट वाली, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ राज अल्पहार यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा प्रिसाइसली बता दूँ, HDFC बैंक के एकदम अपोजिट आपको दिख जाएगा। गूगल मैप्स की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से चलते हैं, सबसे पहले सादा पोहा, फिर उसल पोहा, फिर एक दाल कचौरी, फिर एक लहसुन की कचौरी और फिर पूरा बताएंगे। उसल कचौरी भी तो है, उसल कचौरी भी है, तो ये चार पांच चीजें लगवाते हैं, टेस्ट करते हैं। सबसे बढ़िया एक जो सुगंध आएगी पोहे की कचौरी की वो तो अलग है ही, और ये जो पोहे इनके साथ है वो भी बहुत बढ़िया है। भीड़ जो है वो मतलब यहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं उनका एक फेवरेट पॉइंट है यहाँ पे अगर नाश्ता करना हो तो, और ये बहुत ही बढ़िया एक प्लेट आपको पोहा मिल जाता है। आपको काउंटर से टोकन लेना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो पोहे के साथ साथ आपको यहाँ पे समोसे, कचौरी, खमन की बहुत सारी वैरायटीज भी मिलती है। जल्दी से एक बार सादा पोहा टेस्ट करते हैं, क्वांटिटी फिर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल इंदौर में लोग क्या कर रहे हैं 20-20 रुपये लेके 25-25 रुपये लेके पोहे की क्वांटिटी बहुत ज़रा सी कर दी है इंदौर में, ऐसा क्यों क्या पता। ओवरऑल यहाँ के जो पोहे वो थोड़े से मसालेदार स्पाइसी हैं, थोड़े से स्वीट साइड कम है, थोड़ा सा नमकीन साइड ज़्यादा है। यहाँ पे सेव है, आपको बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगा। अगर आपको पसंद है पोहे खाना, सादे पोहे खाना, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब बारी आती है उसल कचौरी की, उसल पोहे की, और वो जो लहसुन की कचौरी जो मेन एलिमेंट है यहाँ का, वो करते हैं। उसके बीच में कुछ कुछ लोगों के बाइट्स भी लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं और उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। एक उसल पोहा, आप देख सकते हो पोहा लिया है, पोहे के ऊपर बस तो बढ़िया सी उसल डाली और थोड़ी सी तरी भी डाल दी है। अब बढ़िया सा प्याज सेव आएगी इसके ऊपर, और फिर यहाँ पर आपको दही का ऑप्शन भी एक मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो सामने आपको भैया दिख रहे हैं, ये 20 साल से यहाँ पर उसल पोहा दे रहे हैं, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। उसल पोहा तो बहुत जल्दी मिल गया, पर वहाँ से आने में इतनी देर लग गई मेरे को। देखो आप पास में लाओ, बढ़िया सा दही, सेव, चटनी और उसल सब कुछ डाला हुआ है, टेस्ट करते हो बता दो कैसा। मैं जो बोल रहा था, यहाँ की है ना तरी की एक बात अच्छी लगती है, अगर आपको तरी ज़्यादा लग जाती है तो दही का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। बाकी उसल पोहा बहुत बढ़िया है, मोट की उसल मिलेगी, एक बार ट्राई करना पड़ता है। और यार यहाँ का जो क्राउड है और जो लोग मतलब इस दुकान को प्यार करते हैं ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। और जो उसल पोहा है वो 25 रुपये का मिलेगा। कहाँ जा रहे हो? वो उसल कचौरी बन रही। यार ये जो कचौरियाँ हैं ये गर्मा गर्म तेल में अब जा रही है, तलने के लिए तैयार हो चुकी है। ये कचौरी है दाल की, धीरे धीरे जो है कचौरी में उबाल आने लग गया है और ये जल्दी जल्दी सिकने वाली है। अब जैसी सिकती है वैसी अपन लगवाते हैं बढ़िया बढ़िया कचौरियाँ। मेरे हाथ में आ चुकी है गर्मा गर्म बढ़िया से यहाँ की लहसुन कचौरी एकदम। देखो वो बनने के बाद भी जैसे पपड़ी हटाई तो लाल लाल नजर आ रही है, मतलब अंदर का जो मसाला बड़ा झन्नाट है। मैं चटनी थोड़ी सी अलग से लेके आया क्योंकि मैंने कहा सादी भी टेस्ट करते हैं फिर चटनी डाल के भी टेस्ट करेंगे, बताता हूँ कैसा है। अय हय हय हय, एकदम लाल लाल मसाला है। और एक बार रुको रुको एक मिनट थोड़ा सा, हाँ एकदम आनंद आ जाएगा जैसे आप उसकी सुगंध लोगे, उस नाक में जाएगी ना, बहुत मज़ा आता है। एक बार सादी टेस्ट करके देखता हूँ। कचौरी का जो टेस्ट है ना, जैसे उसमें लहसुन का बहुत बढ़िया सा डोमिनेंस है। जब कचौरी बनती है तो उसमें कुछ मसाले डाले जाते हैं जो हम भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमें बोल दिया गया था कि वो सीक्रेट मसाले हैं कुछ। ओवरऑल बहुत बढ़िया टेस्ट है, अलग अलग मसाले मिक्स करके बहुत बढ़िया मसाला बनाते हैं। लाल कलर का बहुत झन्नाट होता है, वो भी थोड़ा सा खा के देखा था। कचौरी बहुत ही बढ़िया है, तो अगर निकल रहे हो कभी सुदामा नगर से फूटी कोटी के लिए तो एक बार राज अल्पहार पे आके
ये कचौरी और उसल पोहे, सादे पोहे, आलू कचौरी कुछ भी खाना हो तो एक बार खा के जरूर देखना। बिना चटनी बहुत अच्छा है, पर इनकी जो हरी चटनी है ना बहुत ही बढ़िया है। चटनी कचौरी खाने के बाद बारी आती है आलू की कचौरी। ये है आलू की कचौरी अपनी, इसको टेस्ट करते हैं। अब मस्त चटनी में लेके आया हूँ मैं। बहुत लाजवाब, ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता, जैसे नॉर्मल आलू की कचौरी रहती है वैसे ही टेस्ट है। बट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चटनी। अब आपको हर जगह चटनी अलग अलग फ्लेवर्स की मिलती है, यहाँ की चटनी आपको हरी वाली बहुत अच्छी लगेगी। पर सबसे बड़ा मेन एलिमेंट है वो है लहसुन की कचौरी। तो यार मेरे को ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा था, और सबसे बेस्ट जो लगी वो उसल पोहा और लहसुन की कचौरी। बिल्कुल, मतलब बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत ही बढ़िया सा पेट भर गया है। मतलब नाश्ता करने आओगे ना तो ऐसा पूरा पेट भर के यहाँ से जाओगे। टेस्ट बहुत बढ़िया है, दुकान बहुत अच्छी है, लोग भैया पसंद करते हैं इस दुकान पे खाना। तो अगर आप नहीं आए हो अभी तक तो आना बिल्कुल मत भूलना। इसी ब्लॉग को इसी नोट से एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। कुछ कहना है? जय श्री राम। जय श्री राम। यार यहाँ के उसल पोहे की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर अपन नॉर्मल तरी की बात करें। क्या हाल चाल भैया? बस बिल्कुल पहचान गए, बिल्कुल पहचान गए अपन। ओ मिक्कू, व्हाट इज दिस? हु मी?